जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस 17 के घर में घुसते ही अंकिता की जेठानी यानी कि विक्की जैन की भाभी ने अंकिता की जमकर धुलाई कर डाली है। ये बात तो आप भली भांति जानते हैं कि विक्की जैन का पूरा परिवार, चाहे अंकिता की वो जेठानी ही क्यों ना हो, पूरा परिवार जो है अंकिता लोखंडे को पसंद बिल्कुल भी नहीं करता है। ऐसे में आपको बता दें, वीकेंड के वार पर अंकिता लोखंडे के ससुराल वालों की तरफ से, उनके परिवार से जो है जेठानी ने एंट्री मारी है और तो और अंकिता लोखंडे को खड़ी खोटी सुना डाला है, वो भी सलमान के सामने। आखिर बिग बॉस 17 के घर में घुसते ही अंकिता लोखंडे की जेठानी ने क्या कहा है अंकिता लोखंडे से, परिवार की बदनामी को लेकर एक एक अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग बॉस 17 के मोहल्ले से। और ये लास्ट वीकेंड का वार है दोस्तों, क्या कुछ हुआ लास्ट वीकेंड के वार पर, सब कुछ जानकारी जो हम आपको बताने वाले हैं। चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट की जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। आपको बता दें, वीकेंड के वार पर अंकिता लोखंडे की जेठानी ने जो शब्द का प्रयोग किया है, जो बातें कही है, जो लाइनें कही है अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के रिश्ते को लेकर, उसे देखते हुए अब ये रिश्ता टूटता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही तलाक की ओर बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। दरअसल सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 17 में खूब घमासान मचा हुआ है इस वक्त और टीआरपी ने भी जबरदस्त जो है रेस भी पकड़ी हुई है। शो जैसे जैसे अपने फिनाले की ओर बढ़ता जा रहा है दोस्तों, वैसे वैसे शो में घमासान बढ़ता जा रहा है। शो में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के झगड़े खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब ऐसे में उनके घर वालों को बुलाकर जो है मेकर्स चाहते हैं टीआरपी रिकॉर्ड ब्रेक हो जाए बिग बॉस 17 का। आपको बता दें, दोनों में आए दिन जबरदस्त झगड़े देखने को मिलते हैं और अंकिता लोखंडे का जो इमेज है अब वो भी नीचे गिर चुका है। जो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे वो अब उन्हें जो है खड़ी खोटी सुना रहे हैं। काम्या पंजाबी ने कहा है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि अंकिता लोखंडे ने मनारा को लेकर जो बातें कही थी जब वो मुनव्वर के आगे बैठी थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जब मुनव्वर जो है सामान छुपा रहे थे टास्क के लिए, टॉर्चर टास्क के दौरान, तो वो आपको मोमेंट याद होगा। आपको बता दें, उस चीज को लेकर उस दौरान जो है अंकिता लोखंडे ने ऐसी खड़ी खोटी, इतनी गंदी गंदी वाहियात बातें, इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया था, जिसे लेकर अब वीकेंड के वार में सलमान खान वाट लगा डाली है अंकिता लोखंडे की। आपको बता दें, मनारा को क्या कुछ नहीं कहा था, इतने भद्दे शब्द कहे थे जो मैं आपको बोलकर भी नहीं बता सकती हूं। अब अंकिता लोखंडे का जो स्तर है, जो बोलने का एक लिमिट होता है ना, वो सब गिर चुका है, खत्म हो चुका है। अंकिता क्या कुछ कह रही है कुछ नहीं पता उन्हें खुद ही। एक पल में कहती है कि तू बेस्ट पति है इस दुनिया का, दूसरे ही पल में कहती है किस आदमी को मैंने अपने गले लगा लिया है, मुझे तुझसे डिवोर्स चाहिए। और कल के रोस्ट शो में तो विक्की जैन ने साफ तौर पे, जब वो स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो बार बार अंकिता उन्हें इरिटेट कर रही थी और वो कहने लगे कि तू क्या चाहती है, अनाउंस करना चाहती है क्या हमारा तलाक हो रहा, तो कर दे, तेरा मन कर रहा था तो कर दे, वैसे भी तूने कसर तो छोड़ी नहीं है हमारी परिवार की बेइज्जती करने में, इतनी धज्जियां उड़ाकर रख दिया, हम आए थे यहाँ पर इज्जत कमाने के लिए लेकिन बेइज्जती करवा कर जा रहे हैं, बची कुछ ही जो भी हमने थोड़ी बहुत जो इज्जत कमा रखी थी वो भी तूने गवा दी है अपने शब्दों के प्रयोग की वजह से, बाहर जाकर देखेगी तो कहेगी कि ये मैंने क्या बोला है। अब वहीं इस वीकेंड के वार पर जो है बिग बॉस 17 में अंकिता लोखंडे की माँ और विक्की जैन की भाभी को बुलाया गया है, क्योंकि मिट्टी पलीत करा ली है अंकिता लोखंडे की सास ने अपने शब्दों को बोलकर, सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है, वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, उनकी तबीयत खराब हो गई है, जिस वजह से वो नहीं आ पाई हैं बिग बॉस के वीकेंड के बारे में। उन्हें बुलाया गया था वैसे, लेकिन अब उनकी जगह जो है विक्की की भाभी आई है, यानी कि अंकिता लोखंडे की जो है जेठानी आई है। ऐसे में विक्की की भाभी ने सभी के सामने ये कह डाला कि दोनों पति पत्नी के बीच जो भी चल रहा है बिग बॉस 17 के घर में, चाहे वो विनर बनने के लिए ही क्यों ना कर रहे हो, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई भी हमारे घर में इस चीज को पसंद नहीं कर रहा है, खास तौर पे विक्की के पिताजी तो बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। इसके बाद आपको बता दें, अंकिता लोखंडे की माता जी से सलमान खान एक ऐसा सवाल पूछते हुए नजर आते हैं जिस पर अंकिता लोखंडे की माँ जो है शॉक हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है उस सवाल को सुनकर। आखिर सलमान ऐसा क्या पूछते हैं अंकिता लोखंडे की माता जी से, तो हम आपको बता देते हैं। वो पूछते हैं कि मैंने देखा है कि विक्की जैन की माँ रंजना जैन जी ने सोशल मीडिया में ये कहा है कि वो इन दोनों
दोनों की शादी के शुरू से ही खिलाफ थी, बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इन दोनों की शादी हो। जिस पर अंकिता की माँ कहती है कि मैं भी काफी ज्यादा शॉक हूँ इस बात को सुनकर कि उन्होंने ऐसा आखिरकार क्यों बोला इंटरव्यू में, जबकि ये शादी तो सबकी रजामंदी सबकी खुशी से हुई थी। हाँ, ये बात और है कि अंकिता हमारे पास रहती है, विक्की भी हमारे पास रहता है मुंबई में, लेकिन वो बिलासपुर में रहते हैं और काम होते हैं अंकिता को मुंबई के अंदर, इसलिए मुंबई में रहना पड़ता है और विक्की को भी अंकिता के साथ जो है रहना होता है। लेकिन इस बात से क्यों चिढ़ती हैं और क्यों उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उन्होंने यहाँ तक कह डाला था विक्की की माँ ने, आप सबको याद हो तो, अंकिता लोखंडे जो है शादी के बाद 10 दिन भी अपने ससुराल में नहीं रही। और आपने ये सब अच्छे से देखा है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर भी जहां लोग जमकर अंकिता को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो टीवी जगत के लोग हों या फिर बॉलीवुड के या फिर सलमान खान ही क्यों ना हो, वहीं अंकिता लोखंडे के ससुराल के एक भी सदस्य ने भी अंकिता लोखंडे को जो सपोर्ट नहीं किया, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, उनके मुंह से निकले हुए शब्द और साथ ही अंकिता के इस शादी से नाखुश होना, क्योंकि वो खुश बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी और लड़की से विक्की की शादी करवाना चाहते थे और अब अंकिता के साथ जो है हो गई, और अंकिता अपने पति को अपने साथ ही रखती है और विक्की ने भी अपने आप को ढाल लिया है अंकिता के अनुसार, लेकिन अंकिता ने अब तक विक्की के हिसाब से अपने आप को बिल्कुल भी नहीं ढाला है, तब भी विक्की के अंदर जो है हमेशा अंकिता कमियां निकालती रहती है। मैं आपको बता दें, अब इस वीकेंड के वार पर जो है अंकिता की जेठानी ने सही तरीके से सारी चीजों को हैंडल किया है, लेकिन अंकिता को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है। वेल, आपकी क्या राय है अंकिता और विक्की के रिश्ते को लेकर और अंकिता के ससुराल वालों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी आपकी राय हो जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, साथ ही हर लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।